सगुण ही अगुण बोल दिया देवी, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा, कोई भेद नहीं। वही निर्गुण है और वही सगुण है। और सुनो देवी, न वो निर्गुण है न वो सगुण है, वो स्वतंत्र चेतना है, स्वतंत्र चेतना है। जिस समय जैसे रूप की गुण की आवश्यकता होती है भक्त की इच्छा के अनुसार, भगवान उसी प्रकार का रूप और गुण और उसी प्रकार की लीला को प्रकट करते हैं। वो तो स्वतंत्र चेतना है, इस पचड़े में तुम मत पड़ो। बहुत सारे लोग इसी में बहुत शास्त्रार्थ करते, कई तो शास्त्रार्थ महारथी हो गए हैं कि पहले हमको बताइए कि भगवान मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है, किसी महिला के गर्भ से जन्मा हुआ बालक भगवान कैसे हो सकता है, और अगर वो भगवान है तो वो रो रो के काहे के लिए रो रहा है कि मेरी सीता जी को, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, सर्वव्यापक है, तो उसे मालूम नहीं है कि मेरी धर्मपत्नी को कौन चुरा कर ले गया, वो सामान्य कामी पुरुष की तरह रुदन कर रहा है। तो ऐसे बहुत से महापुरुष आपको इस देश में, अपने मोहल्ले में, आसपास में मिलेंगे। कहाँ बेकार की बातें कर रहे हो, भगवान को जन्म लेता है क्या? भगवान तो सर्वव्यापक है, निराकार है, निर्गुण है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है। वो किसी राजा का बेटा बनेगा, वो महापुरुष हो सकते हैं, वो पुरुषोत्तम हो सकते हैं, वो गुणवान हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, वो भगवान नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे लोग, और कई बार तर्क भी देंगे, आपको भी ऐसे मिलते होंगे, वो कहेंगे ये पत्थर की मूर्ति पूज रहे हो, बुद्धि मारी गई है, है? ये गणेश ही भगवान है, ये अपनी चूहिया को नहीं भगा पा रहे, देखो देखो इनके सिर पर चूहिया घूम रही है, ये अपनी मक्खियों नहीं उड़ा पा रहे, कितनी मक्खियां भिलक रही है। ऐसे कितने प्रकार के तर्क देंगे, कितने प्रकार के तर्क देंगे, इनकी कुछ मत सुनिए, इनकी एक भी बात मत सुनिए। ये पत्थर पूजने से क्या फायदा है, पता नहीं किसने कह दिया है कि चाकी क्यों नहीं पूज लेता है, चाकी क्यों नहीं पूज लेता है, पत्थर पूज, इनसे बहस मत करो। ऐसे महापुरुषों को देखकर रास्ता बदल दो, दूसरी गली में चले जाओ, कुछ और कानान कुरे देने लग जाओ, अपने फीते के जूते के फीते खोल के फिर से बांधने लग जाओ, इनसे निगाही मत मिलाओ। इनको कोई समझाने से लाभ नहीं, पत्थर को सर मारने से कोई लाभ नहीं होता, ये सब जानते हैं। जानकर ये अपनी भीतर की ग्लानी को दूर करने के लिए आपसे बहस करते हैं, इनसे तो भजन होता नहीं। तो ये भजन करने वाले को देखकर चिढ़ते हैं, हम तो डूबे हैं सनम। आगे क्या है,
हाँ हमारे साथ लग जाएंगे तो तर जाएंगे, डूबने नहीं देंगे, लेकिन वो साथ लगने को तैयार नहीं है, साथ लगने को तैयार। ऐसे व्यक्ति से हार मान लीजिए, भैया तेरी राजी, बिल्कुल कोई तर्क मत दीजिए, कह दो भैया हमको अच्छा लगता है, तू मत कर। कौन कहता है कि तू मंदिर जा के मूर्ति पूज के माला जप के साधु के पास जा के कथा सुन के गंगा, कही कही गंगा नहाने से क्या फायदा है? अच्छा खुद भी कहेंगे गंगा कोई भगवान नहीं है, गंगा का जल शुद्ध होता है, उसमें सब औषधियां होती। अरे तो भले आदमी तू पोखर में नहा लिया कर, किसने मना किया? झोड़ में नहा, कीचड़ में नहा, नाली में नहा, गटर में नहा, कौन मना? जब तुम खुद ही कह रहे हो कि गंगा का जल इसलिए नहीं सड़ता है कि उसमें औषधियां, वो शुद्ध होता है, तो शुद्ध जल में नहाना बुरा है क्या? शुद्ध जल पान करना, शुद्ध जल में स्नान करना, ये कोई पाप है क्या? तू मत कर। चीटी चुगाने से क्या होता है? सूरज को अर्घ देने से क्या होता है? वहां तक पहुंच जाता है कि नहीं? हमारा जल सूरज तक नहीं पहुंचता, ये सत्य है, लेकिन सूरज जल लेने के लिए हमारे पास आ जाता है, उसकी किरण हमारे पास आ जाएगी। इसलिए इन बहसों में हे देवी हे पार्वती जी आप मत करिए, ऐसे लोगों से गली बदल दो, अन्यथा इसमें आपकी श्रद्धा डगमगा जाएगी और लगेगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं। आपके मन में अगर तनिक भी कच्चापन रहा तो फिर अपनी जो मार्ग है उसके प्रति अश्रद्धा पैदा होती है, शंका पैदा होती है। इसलिए जो कर रहे हो आंख बंद करके गंगा स्नान कर रहे हो, गंगा स्नान करते रहो, चीटियां चुगा रहे हो, चीटियां चुगाते रहो, पक्षियों को दाना डाल रहे हो, पक्षियों को दाना डालते रहो, मूर्ति सेवन कर रहे हो, मूर्ति को स्नान आदि कराते रहो, मंदिर में माथा टेकने जाते हो, मंदिर का माथा टेकते रहो, करते रहो करते रहो, अरे यही चीटियां एक दिन आपको भगवान के चरणों में ले जाकर बिठा देगी। छोड़ो, विश्वास हो फलदायक, क्रिया फलित नहीं होती, विश्वास फलित होता है, विश्वास फलित है।